अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आज हमारे साथ भागलपुर के नम्रता सिंह हैं, जो पेशे से शिक्षिका हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, शुरुआत सवालों से होगी। क्या आज भी लोगों को महिलाओं के प्रति सोच बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल। अगर हम कई सालों के अगर वाकयात को देखें तो आज भी लगता है कि कुछ प्रतिशत, मुश्किल से शायद 1-2% ही महिलाएँ हैं जो आम जिंदगी से उठ के बाहर आई हैं, वो स्टैब्लिश हो पाई हैं, पदस्थापित हो पाई हैं, काम कर रही हैं। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, अगर हम बाकी सारी महिलाएं जो हैं, अगर उनकी बात करें तो वो आज भी वहीं खड़ी हैं। और इसके लिए मैं समाज को दोष से ज़्यादा मैं ये मेरा जो मानना है वो है कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो खुद महिला है, क्योंकि कौन समझेगा महिला को कि महिला को क्या करना है। कि जब तक आप खुद नहीं समझेगा कि हमको एक अपना स्थान बनाना है, तब तक आप खुद को कहीं पे भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाइएगा। तो अभी भी हमारा समाज, भारतीय समाज, बहुत ही पीछे है इन सब मामलों में कि या तो महिला को खुद आगे बढ़ना होगा या तो पूरे परिवार को ये समझना पड़ेगा कि महिला को आगे करने से सिर्फ परिवार ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, देश और कह सकते हैं कि पूरा ग्लोबली महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मैम, एक सवाल है कि सरकार जो है महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका वर्तमान उदाहरण है। लेकिन मैम, बात जब आती है महिलाओं के प्रति लोगों की, तो लोग जब भी राह चलते महिलाओं पे, लड़कियों को जब किसी तरह का अभद्र कमेंट या व्यवहार करते हैं तो नारी सशक्तिकरण का जो नारा है वो मैम मजाक सा लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी ऐसे अगर चीज़ें होती हैं, आज भी आप देख रहे हैं कि निर्भया का कांड अगर हम ले लें तो ये कई सालों से पेंडिंग में है, जो कि 20 मार्च को कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद शायद हो सकता है कि अब निर्भया को न्याय मिले। तो इस तरह सिर्फ एक निर्भया नहीं, भारत में, हमारे देश में कई निर्भया हैं। और सही बात है कि जो भी योजनाएं भारत सरकार की तरफ से आ रही काफ़ी कमेंडेबल हैं। मैं खुद बोलती हूँ कि सही बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी है हमारा, ये सिर्फ नारा बन के ही रह जाता है। हमारे लिए यही विडंबना है कि जब भी कोई चीज़ें आती हैं तो वो बस एक नारा बन के रह जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तो दूसरे को कह देते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको प्रमोट करना चाहिए। बेटी जब भाषण देने की बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब खुद पे बीतती, अपने घर, अपने समाज, आसपास को देखते तो लगता है कि वो बातें एक तरफ है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है आज भी। बिल्कुल मैम। मैम, एक छोटा सा सवाल है कि गांव से निकलकर आज के कुछ साल पहले अगर जाते हैं, 10-20 साल पहले हम पीछे जब जाते हैं, तो गांव से जब कोई महिला या कोई लड़की निकलकर दफ्तर जाती थी या तो काम पर जाती थी या घर से निकलना, तो एक बड़ा सा सवाल हो जाता था समाज के लिए, लोगों के लिए, कि उनकी जो है बेटी वो बाहर जा रही हैं, उनकी बहू बाहर जा रही हैं, काम पे जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव आया है, लोग थोड़ा बदले हैं क्योंकि अब इस अवधारणा से लोग निकले हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव और कई ऐसे समाज हैं जो इस चीज़ से जो है अभी भी ग्रसित हैं, ऐसी मानसिकता से हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है जागरूकता के अभाव के कारण हो सकती हैं। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? सरकार से सरकार अपील कर सकती है, और अपील शहरों से ज़्यादा मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ वो अपील की वो पोस्टर बन के ना रह जाए, एक नारा बन के ना रह जाए, और वो ज़मीनी तौर पे एक अपील हो। और सरकार तो हमेशा, आप जैसे अभी आपने बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, तो सरकार हमेशा कोई ना कोई अच्छी अच्छी योजनाएं वो लेके आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी वो योजना लाए
वो ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी तौर पे उसको कारगर होने की ज़रूरत है। और सरकार में कितने लोग होंगे, गिने चुने सदस्य होते हैं जो कि अच्छी अच्छी योजनाएं अपने देश के विकास के लिए हमेशा लगाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि परिवार के लोग और परिवार से जो समाज बन रहा है, समाज में हर बात को समझने की ज़रूरत है। कि आप एक BDO, एक DM या एक प्राइम मिनिस्टर देखना तो चाहते हैं कि महिलाएं प्राइम मिनिस्टर, आखिर इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर बनके क्यों रह गई, भारत में फिर से कोई इंदिरा गांधी क्यों नहीं आई, दोबारा लक्ष्मीबाई क्यों नहीं आई हमारे देश में। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि आए, लेकिन कहाँ से आए। जब तक आप खुद प्रमोट नहीं करिएगा, अगर आप अपने घर की बेटी को प्रमोट कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि अपने पड़ोस की बेटी को भी आप उसी नज़र से देखें कि आप अगर वो उसके पिता नहीं समझ पा रहे, उसके माँ बाप नहीं समझ पा रहे, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। चूँकि मैं शिक्षिका हूँ तो मेरा ये परम कर्तव्य बनता है कि मैं अगर अपने घर की बेटी को प्रमोट करूँगी तो मैं दूसरे के घर के बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करूँगी। कि मेरे घर से मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर से हो सकता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चियों में है, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को उभारने का काम हम सबका है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, व्यक्तिगत ये काम अब हम लोग सबका आ गया है। कि अगर आधी आबादी हमारी महिलाओं के हमारे देश में है, तो ये ज़रूरी है कि हम सब बढ़ के एक कदम आगे बढ़ाएं, बेटियां तो खुद ही आगे बढ़ जाती हैं। मैम एक आखिरी सवाल होगा और छोटा सा सवाल होगा कि क्या 8 मार्च को सिर्फ महिला सम्मान की बात करने से क्या महिलाओं को सम्मान दिलाया जा सकता है या मिल सकता है? अगर देखा जाए विकास जी, तो 8 मार्च की बात करें, महिला दिवस तो हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन बच्चों का जन्म होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते केवल महिला दिवस के दिन ही जो माएँ होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो माँ बनती हैं। तो अगर अच्छी बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है 8 मार्च को, लेकिन ये बात भी तय है कि आज हम आप बैठ के ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला प्रताड़ित हो रही होंगी, आज भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी साजिश रची जा रही होगी, आज भी कहीं ना कहीं बलात्कार हो रहा होगा हमारी बच्चियों का, महिलाओं के साथ छिटाकछी हो रही होंगी, वो ऑफिस में प्रताड़ित हो रही होंगी। तो मेरा यही मानना है कि एक टोकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि 8 मार्च बहुत कमेंडेबल बात है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये हमारे भारत से नहीं आया, ये विदेशों से आए हुए कंसेप्ट है कि दिवस मनाना है। लेकिन अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में जो नारी है वो वैसे भी नारायणी होती है। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि वाकई हमारा जो देश है वो देवी प्रधान, कृषि प्रधान, और यहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, यहाँ तक कि नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। तो मैं भी चाहूँगा कि 8 मार्च सिर्फ एक दिन ही नहीं, पूरा का पूरा दिन जो है, पूरा साल, पूरा महीना, पूरा दिन जो है, वो महिलाओं का सम्मान हो, उनकी प्रशंसा हो, उनके प्रति प्यार प्रकट किया जाए। बहरहाल हमारे साथ थी नम्रता सिंह मैम, जो कि शिक्षिका हैं, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो आज हमारे साथ थी सिल्क टीवी पर, तो हमारा जो बातचीत है नम्रता मैम से, वो आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सलमान अनवर हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।